नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, दो मेन देखेंगे फिर कुछ सप्लीमेंट देखेंगे। जो दो मेन है, जो पहली है अपन की, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। और जो सेकेंड है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब जो पहली है उसको देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कंजर्वेशन किसी भी चीज़ का पढ़ते हो उसका मतलब एक ही होता है, एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉयड, सिर्फ उसको ट्रांसफ़र करते हैं। यही क्या है कंजर्वेशन, हर जगह कहीं ना कहीं पे ये मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन कहने का मतलब ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, एक वर्ड याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स से याद करो, ऐसा सिस्टम जिसका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन कुछ भी ना हो, वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, वो हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। कंजर्व रहते हैं मतलब उनका अमाउंट चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है नेट चार्ज, नेट टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, क्योंकि अपन के पास बहुत सारी एनर्जीज, अपन दे करके उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, ये चीज़ नहीं समझ में आई तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वाले में अपन, कि माना कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, इसमें तीन चार्ज रखे हुए हैं, एक है आपका मान लो प्लस क्यू, और एक है प्लस फोर क्यू, और एक है माइनस टू क्यू। ठीक है, तीन चार्ज हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो सिस्टम था इसको लिया और ले करके बहुत तेज से वो कर दिए, हिला दिए इसको, ठीक है, वाइब्रेट कर दिए। वाइब्रेट करेंगे तो आपस में इनके क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो चार्जेस में अंदर जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो क्या होने लगेगा, चेंज होगा। बहुत देर तक रब किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद अपन उसको स्टैटिक छोड़ दिया, तो क्या होगा, चार्जेस जो है ना, इंडिविजुअल चार्जेस, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला था, Q1 ले लो ना इसको, चलो Q1, अरे हो गया ऐसे ही रहना, ठीक है, ये हो जाएगा 2Q, ठीक है, और कुछ भी मान लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही करना है, 3Q प्लस में ये, और इसको निकालना है, ये नहीं पता है, ये अपन को नहीं पता है, तीसरे चार्ज का अमाउंट अपन को मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कि वाइब्रेशन करने से पहले जो भी टोटल चार्ज थे, वाइब्रेशन करने के बाद भी क्या होंगे, चार्ज उतने ही रहेंगे। अब टोटल चार्ज कितने हो गए, देखो क्यू प्लस फोर क्यू, फाइव क्यू माइनस टू क्यू, थ्री क्यू, यहाँ पे कितने हो गए, फाइव क्यू हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपन को क्या होनी चाहिए, फिर माइनस टू क्यू होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू क्यू, यानी कि ये वाला जो चार्ज हो गया अल्टीमेटली वो माइनस टू क्यू हो जाएगा। अब अगर टोटल चार्ज, देखो इंडिविजुअल चार्ज की अमाउंट मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या था, सेम, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, वो उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, सेम रहेगा। ये है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा है, कंजर्वेशन अपन हमेशा से पढ़ते हैं। पॉज करो।